वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, आप लोग को चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का थर्ड वीडियो हमने एक हफ्ते का पहले पोस्ट किया था। तो आपको बताया था 27 सितंबर को इसका एनुअल जनरल मीटिंग रहेगा, तो आज 27 सितंबर है। आज का अपडेट्स देख लेते दोस्तों। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का दिन में एनुअल जनरल मीटिंग हो गया बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का। इनका बहुत सारा एजेंडा थे तो उसके लिए इन्होंने वोटिंग भी किया है, तो आगे जाके वीडियो में देख सकते हैं। जैसे हमने बताया, 31 अगस्त को इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग का डेट फिक्स किया था एज ए 27 सितंबर। तो हम लोग एक महीने से ज़्यादा से ये स्टॉक में फॉलोअप वीडियो डालते रहते हैं, तो आपको अपडेट्स भी दिया पहले भी, आप इधर देख सकते हैं। 12 अगस्त को स्टॉक स्प्लिट का इसमें अनाउंसमेंट हो गया था, बाद में इसमें रिकॉर्ड डेट का चेंजेस हो गया था। तो आज का दिन इन्होंने ऑलरेडी शेयर होल्डर्स मीटिंग का अनाउंसमेंट का अपडेट्स दिया है, तो ये पीडीएफ इधर अटैचमेंट हम देख सकते हैं। हम आगे पीडीएफ में देखते क्या इन्होंने बताया। तो इसमें बहुत सारा चीज़ इन्होंने डिस्कस किया, इसमें स्पेशल बिजनेस डिस्कशंस में तो इनका रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर नरेश एमडी, तो ये बहुत सारा चीज़ें। तो हमारा इंटरेस्ट इधर है, नंबर 8 में अप्रूव सब डिविजन स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तो 8 नंबर ये भी इंक्लूड है अप्रूवल ऑफ सब डिविजन का, जो आज का जो वोटिंग हो गया। तो आगे जाके देख लेते हैं। द कंपनी सेक्रेटरी देन रिक्वेस्टेड टू दोज हु हैव नॉट वोटेड थ्रू रिमोट ई वोटिंग आर प्रेजेंट एट द मीटिंग कास्ट देयर वोट थ्रू द बैलेट पेपर, द मेंबर्स देन कास्टेड देयर वोट्स ऑन बैलेट पेपर्स एंड डिपॉजिटेड द सेम इन द बॉक्सेस प्लेस्ड इन द मीटिंग हॉल। सो आगे देख लेते, द कंपनी सेक्रेटरी ब्रीफ दैट मेंबर ऑफ मेंबर्स दैट कंसोलिडेटेड रिजल्ट ऑफ ई वोटिंग एंड बैलेट वोटिंग एजीएम विल बी बैलेट वोटिंग एट एजीएम वेन्यू विल बी अनाउंस्ड विद इन 48 आवर्स। मतलब इनका एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी अभी आज भी थोड़ा वोटिंग हो गया, उनको जो जिसने ई वोटिंग नहीं किया था उनको बैलेट पेपर थ्रू वोटिंग किया है, तो सबका इनका रिजल्ट अभी विद इन 48 आवर्स ऑफ कंक्लूजन ऑफ एजीएम तो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को अपडेट करना है। तो दोस्तों, अभी ये सारा चीज़ के लिए इनका वोटिंग भी हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग भी हो गया। अब देख सकते 5:45 को इनको मीटिंग खत्म हो गया, तो इनको रेगुलेशन के हिसाब से विद इन 48 आवर्स, मतलब और 2 दिन का अंदर जो वोटिंग का रिजल्ट देना है। मतलब अभी शेयर होल्डर्स का अगर वोटिंग पास होता है तो ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी आ जाते हैं, बाद में इसमें हमको रिकॉर्ड डेट मिल सकता है, तो बाद में पता चलते है इसमें थोड़ा तेज़ी आ जाएगा। तो आज का इसमें कारोबार देख सकते हैं दोस्तों, आज का लो था 111 एंड हाई है 116.95। तो दोस्तों, इधर डिलीवरेबल क्वांटिटी 81% है, तो अच्छा डिलीवरी इसमें उठाया जा रहा है। 30,950 ट्रेडेड क्वांटिटी है एंड 25,000 इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी है। दोस्तों, ये 30,000 फिर भी हमको कम लगते हैं, आप कंपेयर किया तो पहले का वॉल्यूम को ये बहुत कम है। कल आप देख सकते 740 था, तो 95% इसमें डिलीवरी उठाया गया था। कंपेयर टू कल का दिन में आज का वॉल्यूम है 35,000, सो 35,000 में 28,000 का डिलीवरी उठाया गया, 81% इसमें डिलीवरी चल रहा है। तो एक हफ्ते का एवरेज आप देख सकते हैं 23,000 है और एक महीने का एवरेज 17,000 है। तो कंपेयर टू 1 वीक एंड 1 मंथ एवरेज आज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मतलब आज एजीएम हो गया, मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने का चांसेस है। तो प्राइस मूवमेंट इधर देख लेते हैं, 1 वीक में -3.46% बोलते हैं, 1 मंथ में 3.67% का पॉजिटिव इसमें ग्रोथ है दोस्तों। तो अभी हमको विद इन 2 दिन में अगर इसमें अच्छा खासा स्प्लिट का कंफर्मेशन आ गया तो रिकॉर्ड डेट आ गया तो फिर इसमें थोड़ा तेज़ी देखने मिलती है। तो टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं, बुलिंजर बैंड आप देख सकते हैं, बैंड को टच किया था 120 का रेंज में, फिर से इसमें थोड़ा करेक्शन होके 112 का रेंज में है अभी। आरएसए आप देख सकते हैं 50 है, तो एमएसीडी भी इधर
ऑलमोस्ट पैरेलल ही चल रहा है, तो इसका अभी ट्रेंड डिसाइड करेगा। तो स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट अभी 2 दिन का बाद में जो भी हमको वोटिंग मिलेगा, 99% इसमें वोटिंग में अप्रूवल मिल ही जाता है, तो आपको 2 दिन में इसका बाद में क्रॉस ओवर के ऊपर की तरफ ही जाना है। ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको नीचे की तरफ इशारा कर रहा है, अगर इसका रिजल्ट का बाद में ये थोड़ा रिवर्स ले सकता है। तो दोस्तों अभी 2 दिन में इसका अपडेट्स आता है, तो 2 दिन के बाद में इसमें अच्छा खासा तेजी आ सकता है। अगर आपने ऑलरेडी इसमें पोजीशन बना के रखा है तो आपको अभी ज़्यादा देर वेट करने का ज़रूरत नहीं है। विद इन 1 मंथ इसमें आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं। हमारा इसमें टारगेट है 150-160 का टारगेट है, अगर स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल हो गया तो। अभी 110 है, ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपये का हमको इसमें टारगेट मिलना है दोस्तों। तो अगर आप नहीं लिया तो अभी भी आपको एंट्री लेने का मौका है, तो आप आपका खुद का एनालिसिस करके इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो 2 दिन के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा हम आपको वीडियो का लेटेस्ट अपडेट देंगे दोस्तों। तो आपका समय के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों।